अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि गर्भ संस्कार क्यों करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर रहे, उसका मतलब आपके ऊर्जा के स्तर पे कुछ गड़बड़ है, और ऊर्जा के स्तर पे दवाई कभी काम नहीं करेगी। आप शारीरिक और मानसिक स्तर से या तो आध्यात्मिक स्तर से जो उपचार कर रहे हो गर्भ संस्कार में, डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा। आपको आपके बच्चे की धड़कन आके बार बार चली जा रही है, या तो मिसकरेजेस हो रहे हैं और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेडिकल साइंस में उसका कोई रीज़न नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका वुम्ब तैयार नहीं है, या तो वुम्ब चक्र जो बच्चे के विकास के लिए ऊर्जा दे रहा है उसकी ऊर्जा में कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे गर्भ संस्कार आपकी सहायता करेगा। आप जानते हो कि 80% विकास बच्चे का गर्भ में पूर्ण हो जाता है। गर्भ संस्कार एक ऐसा महान विज्ञान है जो आपके बच्चे के पूर्ण विकास के लिए जो भी आपको ज्ञान चाहिए, जैसे बच्चे की भावनाओं का विकास करना, उसकी आध्यात्मिकता का विकास करना, और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारे उपचार, एक्टिविटीज़, रीडिंग, म्यूजिक, ये सारा गर्भ संस्कार कर आपको मदद करेगा। गर्भ अवस्था में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, थायराइड, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आना, जो उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी भावनाओं से है, तो गर्भ संस्कार का ज्ञान आपको मदद करेगा अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखने में। इस दुनिया में रहते हुए भी अनटच होके अपने बेबी के साथ कनेक्ट होके उसी के विचार करने के लिए आपको सहायता करेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा चारित्रवान हो। आजकल हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, चारों तरफ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है कि सभी माता पिता को एक डर रहता है कि कहीं मेरा बच्चा बड़ा हो के रास्ता ना भटक जाए। तो ये जो संस्कार है, संस्कार देने का सबसे बढ़िया टाइम, सबसे बेस्ट टाइम वो आपकी गर्भावस्था है, और गर्भ में दिए जाने वाले इसी संस्कार को तो ही गर्भ संस्कार किया बोला जाता है। और गर्भ संस्कार ऐसे संस्कार है जो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, जो कभी डिलीट नहीं होते हैं। तो अगर आपके बच्चे की युवा अवस्था में आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, डेफिनेटली गर्भ संस्कार इज़ द बेस्ट वे फॉर दिस। हम चाहते हैं कि हमारी जो शारीरिक खामियां हैं वो अपने बच्चे के अंदर नहीं आए, तो गर्भ संस्कार थ्रू हमारा शुद्धिकरण करके हम अपने बच्चे में वो सारे जो खामी है वो ट्रांसफ़र होने से बचा सकते हैं। और वैसे ही हमारे वीक पॉइंट्स, हमारी मानसिक वीकनेसेस ना, जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे स्वभाव के, हमारी वृत्तियों के, वो भी अगर हम नहीं चाहते, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ज्ञान से जुड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो माय डियर मदर्स, आजकल हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, हम सब जानते हैं कि इसको लोग कलयुग बोलते हैं, इस ज़माने में तमस पिक पे है। तो जैसे आपका सत्व ऊपर बढ़ेगा, आपका बच्चे का विकास डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो इस सत्व को ऊपर उठाने की जो बेस्ट प्रोसेस है वही गर्भ संस्कार है। तो सारी गर्भवती माता इस महान ज्ञान को फॉलो करें और अपने जीवन में एक दिव्य बालक की भेंट पाए। मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, फाउंडर ऑफ मोमेंट्स टच गर्भ संस्कार, टेक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिवाइन वर्ल्ड।